हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 61। मैंने 60 तक क्वेश्चन किया था, आज 61 से स्टार्ट करेंगे स्कैनर का क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज द एसोसिएटेड विद द प्रोक्यूरिंग एन इन्वेंट्री आइटम व्हिच हैज गॉन आउट ऑफ स्टॉक एंड नीडेड फॉर द इमीडिएट सप्लाई। अब सुनिएगा, एक्चुअली क्या होता है कि एक कॉस्ट इनकर्ड होता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्टोर है, इस स्टोर में आपकी रॉ मटेरियल नहीं है या फिनिश गुड्स नहीं है, तो इसके कारण क्या कॉस्ट आपको लग सकता है? नहीं है स्टोर में, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपको ये रॉ मटेरियल स्टोर में नहीं है तो फैक्ट्री से जब आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, तो सप्लाई नहीं कर पाओगे तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो जो आपकी एम्प्लॉई है, जो लेबरर है, वो आइडियल बैठा रहेगा। आइडियल बैठा रहेगा तो आइडियल बैठा के भी हम उसको क्या करेंगे, हम वेजेस देंगे। फिनिश गुड्स नहीं है तो आपको स्टॉक में फिनिश गुड्स नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाओगे, तो आपकी पोटेंशियल कस्टमर जो है आपका दूसरे के पास जा सकता है, आपकी अपनी पोटेंशियल कस्टमर दूसरे के पास जा सकता है, तो उस केस में आपको एक कॉस्ट इनकर्ड होगा, आपको लॉसेज इनकर्ड होगा, उस लॉसेज को कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट कहा जाता है। उस लॉसेज को क्या कहते हैं? स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। उस लॉसेज को क्या कहते हैं? स्टॉक आउट कॉस्ट कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, डैश इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोक्यूरिंग इन्वेंट्री आइटम व्हिच हैज गॉन आउट ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक में नहीं होने से आया उसको क्या कहते हैं? स्टॉक आउट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है ना बेटा, ये क्लियर हो गया। दूसरा, इफ द आइटम्स आर प्रोक्योर्ड इन ए स्मॉल लॉट्स एंड देन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट इन्वेंट्री वुड बी लेस। अब सुनिएगा, इसको बात को समझिए। उन्होंने कहा मान लो एनुअल रिक्वायरमेंट आपका 20,000 यूनिट की है, आप इसकी दो टाइप में प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। आप 20,000 यूनिट परचेज कर रहे हो 200,000 की लॉट में, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना दोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, आप 10 ऑर्डर प्लेस करोगे। 20,000 आप है, ऑर्डर की साइज सपोज करो आपके पास 10,000 की है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात को समझिए, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका हाई होगा क्योंकि 10 बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा, 10 टाइम्स आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट लो होगा क्योंकि दो बार ही आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। कितने बार लगेगा? सिर्फ दो बार आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगा। ठीक है, मान लीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹100 है तो यहाँ पे पर ऑर्डर, तो यहाँ पे 10 × 200 लगेगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 200 लगेगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो देखिए क्या आपको यहाँ पे समझने से आया, इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है इफ द आइटम्स आर प्रोक्योर्ड ऑन स्मॉल लॉट्स देन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द इन्वेंट्री वुड बी लेस। अगर स्मॉल लॉट में करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा एंड वाइस वर्सा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा तो यहाँ पे कम लॉट साइज में करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लगता है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगता है। तो इसका इनका मतलब कहा कि स्मॉल लॉट साइज में हम परचेज करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगा, ये गलत बात है, इसलिए फॉल्स होगा। ठीक है ना बेटा, ये समझ आ गया। दूसरी बात है, देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी लोअर्ड, इन्वेंट्री कॉस्ट सुनिएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या करते हैं, ये आपकी स्टॉक है, इसमें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लग होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया होगा। ठीक है, आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिस्कस किया था, ये लोअर होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी लोअर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी कम होना चाहिए, अरेंजमेंट भी कम होना चाहिए, वेल मैनेज होना चाहिए, तभी तो कॉस्ट कम होगा। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए
इंटरिंग इंटू अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मटेरियल मार्केट ड्राइव इन प्राइसेज। अगर आप लॉन्ग टर्म सप्लायर से आप बराबर बात करेंगे, भाई तुम सप्लाई करते रहना एक प्राइस पे, तो ये आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करेगा, ये वाला पॉइंट। फिर दूसरा क्या है, अरेंजिंग फॉर द डायरेक्टली सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। हम चैन से नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है उससे हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, और डायरेक्ट उससे परचेज करेंगे तो हमारा ब्रोकरेज का इधर का जो आपको बीच का इमिडिएटली होगा उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी मटेरियल परचेज करने का, ठीक है। तो ये भी आपके लिए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर देखिए एवेलिंग क्वांटिटी डिस्काउंट, अगर आपको क्वांटिटी डिस्काउंट लग रहा है स्पॉट पेमेंट पे, तो आपको क्या करना चाहिए, क्वांटिटी डिस्काउंट पे आपको रखना चाहिए, मैंने आपको ज़्यादा परचेज करने पे क्वांटिटी डिस्काउंट मिला उसको भी इवेल्युएशन करनी चाहिए। स्पॉट मैंने तुरंत के तुरंत पेमेंट करना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट आपको लेस हो जाएगा। तो ये सारी अगर व्यवस्था हो तो आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपको कम लगेगा। एक तो हमेशा एक ही सप्लायर से लो, एक प्राइस पे लो, फिक्स प्राइस पे लो, उसको प्राइस फ्लक्चुएट मत करो। दूसरा आपका क्या होगा कि आपको डायरेक्ट सप्लाई प्रोड्यूसर से आप परचेज करो रॉ मटेरियल, एक क्वांटिटी डिस्काउंट हो तो क्वांटिटी डिस्काउंट को अवेल करो, एक स्पॉट पेमेंट पे कैश डिस्काउंट हो तो कैश डिस्काउंट को अवेल करो, कैरिंग कॉस्ट कम करो। ये सारे की सारी आपको क्या करेगा, आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी लोअर्ड, उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कम कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आंसर, ठीक है ना बेटा। अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा इन्वेंट्री लेवल कैन बी मैनेज बाई अडॉप्टिंग द मॉडल। आपको बोला था EOQ एक इन्वेंट्री का मॉडल होता है जिसमें क्या होता है 2AO/C, आप 2AO/C ये आपका EOQ का मॉडल है। इस मॉडल पे यदि आप परचेज करते हैं तो आपकी आपकी क्या हो जाएगा, कॉस्ट सबसे कम लगेगा। तो ये आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, ये मॉडल में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट लोअर देन एनी अदर ऑर्डर साइज, ये मैंने कंसेप्ट में समझाया था, तो EOQ होता है। दूसरी EOQ मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन एक्सेप्ट, देखिएगा EOQ मॉडल क्या एजम्पशन करता है, एनुअल रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंट होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पे लगेगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होगा, एवरेज इन्वेंट्री पे निकाला जाता है, सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है एजम्पशंस में। देखिएगा यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, टोटल यूजेज ऑफ पार्टिकुलर आइटम्स गिवन बाय द पीरियड नोन, ठीक है, सर्टेनली एंड यूजेज गेट्स इवन थ्रू आउट द पीरियड, ये आपकी कॉन्स्टेंट होता है जो मैंने यहाँ पे बताया, और हमेशा वही यूज होगा कह के ये आपका एजम्पशंस है, ठीक है। द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द सप्लाई, ये कोई एजम्पशन नहीं है इनका। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर एंड आइटम्स कॉन्स्टेंट, ये भी होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री फिक्स एंड गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये भी आपका एजम्पशन है। जैसे मैंने आपको प्राइस मान लीजिए इन्वेंट्री का 10 रुपया है और 2% आपकी कैरिंग कॉस्ट है, तो कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा 2% ऑफ डैश, ये कितना 0.20, ये वाला हमने आपको डिस्कस किया था, ठीक है ना, क्वेश्चन कराते समय ये हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे देर इज ओनली 2 कॉस्ट एसोसिएटेड इन्वेंट्री शेयर्स, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट एक होता है, कैरिंग कॉस्ट होता है, ये सबसे लो होता है EOQ के एजम्पशन में, ठीक है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कॉन्स्टेंट होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कॉन्स्टेंट होता है, कैरिंग कॉस्ट आपकी कॉन्स्टेंट होता है, और कैरिंग कॉस्ट को एवरेज इन्वेंट्री पे निकालते हैं, ये दोनों आपको मिलाएंगे तो किसी भी दूसरे ऑर्डर साइज से सबसे कम होगा, ये प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से कंसेप्ट में समझाया होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये वाली आपका ये वाली एजम्पशन है, यहाँ पे एजम्पशन नहीं है, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द सप्लाई, ये हमारा EOQ का कोई एजम्पशन नहीं है, आप स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, ये हमारी एजम्पशन नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, सुनिएगा ये फॉर्मूला किसका है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, 2√2AOC, ए मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है।
अब एक होता है डैश इज द बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट इन व्यू ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द मैनेजरियल टाइम एंड इफोर्ट्स मोर अटेंशन शुड बी पेड टू दोज आइटम्स व्हिच अकाउंट्स फॉर द लार्ज चंक ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द रेदर देन क्वांटिटी ऑफ द कंजम्पशन। ये आपको क्या कहता है कि ए बी सी एक आपका मेथड होता है इन्वेंट्री को स्टॉक करने का। ए में कौन से मटेरियल को रखोगे जिनकी वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसकी वॉल्यूम बहुत ही लो होगा। सी में कौन से रखोगे जिसकी वैल्यू मिनिमम होगा, जिनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम गोल्ड का एग्जांपल दे सकते हैं और यहाँ पे हम आयरन का एग्जांपल दे सकते हैं। बी के केस में क्या करेंगे, बी के केस में जैसे सिल्वर जिनकी वैल्यू इससे कम इनसे ज़्यादा हो और जिनकी वॉल्यूम इनसे कम इनसे ज़्यादा हो, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम मटेरियल को कैटेगराइज करेंगे, ए के टर्म में कैटेगराइज करेंगे, बी के टर्म में कैटेगराइज करेंगे, सी के टर्म में कैटेगराइज करेंगे। ये वाला कौन सा है, ये क्या है, ये वो कैटेगर है, ये वो कैटेगरी है जिस कैटेगरी में ऐसे मटेरियल रखते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी वॉल्यूम कम होता है, वैल्यूम कम होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा बहुत कम क्वांटिटी वाले गोल्ड का भी। आयरन में वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी। सिल्वर का, यहाँ पे सिल्वर के एग्जांपल में क्या हो सकता है, इससे कम वैल्यू होता है इनसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, इससे ज़्यादा वैल्यू होता है इससे कम वॉल्यूम होता है। तो ए बी सी तीन कैटेगरी में हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा 67 में क्या है, डैश इज द बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट इन व्यू ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ मैनेजरियल टाइम एंड इफोर्ट्स मोर अटेंशन शुड बी पेड ऑन द दोज आइटम्स व्हिच अकाउंट फॉर द लार्ज चंक ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन रेदर देन द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, ठीक है ना। तो वो कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी, ये नहीं, ये कौन सा होता है, यहाँ पे ए बी सी डिसाइड करता है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है, कौन सी क्वांटिटी को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है ना बेटा, कैसे स्टोर करेंगे, किस आपको किस मटेरियल को ज़्यादा वैल्यू देंगे किस मटेरियल को आप कम वैल्यू देंगे, वो सारा कौन डिसाइड करता है, ए बी सी एनालिसिस। आगे की ओर पढ़ते हैं, देखिएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है, फॉलोइंग आर डिटेल्स आर गिवन इन द फॉर्म। इन्होंने एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एनुअल रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री कितनी है, 40,000 है। ए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ पर रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको 16 है। कैरिंग कॉस्ट इज लाइकली टू बी, कैरिंग कॉस्ट लाइकली टू बी 15% पर ईयर। अब सुनिएगा, कैरिंग कॉस्ट 15% पर ईयर का मतलब होता है कि अगर एक यूनिट एक साल तक आप होल्ड करते हैं, एक यूनिट एक साल तक होल्ड करते हैं, तो अगर 16 रुपये का रॉ मटेरियल है ना, 16 रुपये का रॉ मटेरियल, तो इसका कैरिंग कॉस्ट, रखने में कॉस्ट, होल्ड करने में कॉस्ट 15% इज 16 रुपया का लगेगा। हमेशा ये परसेंटेज निकलता है तो प्राइस का निकलता है, वैल्यू का निकलता है। तो 15% ऑफ रुपीज 16, ये कितना होगा, 2.4 होगा, ये 2.4 होगा, बात समझ रहे हैं बेटा, ये 2.4 होगा। अ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर कितनी होगी बेटा, 480 पर ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपसे पूछा कि डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू पूछा, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो ये कैलकुलेशन टू एनुअल, ये है, ये है,
ये निकला हुआ है, ये निकालेंगे तो 4000 हो जाएगा। बहुत आसान है, तो ये 4000 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है बेटा। फिर आगे की ओर बढ़िए, ये क्वेश्चन जो है ये आपको सीए इंटर में आपको 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और जब भी क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10 नंबर में पूछा हुआ है, 10 मार्क्स में जब भी क्वेश्चन सीए इंटर में पूछा है। सीए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक रॉ मटेरियल कॉस्टिंग करके चैप्टर है, मटेरियल कॉस्टिंग करके चैप्टर है, और उस मटेरियल कॉस्टिंग में सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है इसको। इन्होंने कहा है बिंग द आउट ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग मिनिमम आपको क्या है सेफ्टी स्टॉक पूछा हुआ है, सेफ्टी स्टॉक मैंने आपको ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या होना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक मैंने क्लास में तो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं एमसीक्यू में एक क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछ सकता है ऑप्टिमल लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, लेकिन इसकी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड किया हूँ आप लोग को। इसमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, आपको स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट में सारे चीज निकल रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हर एक आपकी ऑर्डर साइज का, ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या, यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री से कितने का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है रॉ मटेरियल के लिए, कितने कितने, 500 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है एक बार, 400 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है दो बार, 250 का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है तीन बार, 100 का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है 4 टाइम्स, 50 का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है 10 टाइम्स, 0 का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है 80 टाइम्स, तो ये आपका 100 हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/100, 2/100, 3/100, 4/100 ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री, ईच डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री हो जाता है। इसके बाद क्या निकालते हैं, हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, हर एक लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक में 2 कॉस्ट को ऐड करेंगे, और जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगा वो अलार्म फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपको 250 रुपया है, ये सबसे कम होगा, और ये वाला है सबसे कम कॉस्ट, तो हमारी सेफ्टी स्टॉक में कितनी होनी चाहिए, 250 आपको होना चाहिए, 250 आपकी सेफ्टी स्टॉक में होना चाहिए। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन वो सब्जेक्टिव के लिए है, आपको सब्जेक्टिव के लिए है, एमसीक्यू के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लिया तो आप बहुत बड़े बैड लकर हैं, बैड लक हो जाएगा आपका, और ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करने बैठेंगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर पढ़ते हैं, इसकी सॉल्यूशन अभी भी आंसर नहीं आया, ये सब निकालना पड़ेगा आपको, ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा, आप वहां पे देखकर समझ लेना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना बेटा, ठीक है ना। अब आपको देखिए, आप यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये करने वाला क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या बोला है, अ पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 72,000 रीम्स ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर पर एनम कॉस्ट ₹90। आपका एनुअल रिक्वायरमेंट ये है, इनकी कॉस्ट आपकी कितनी है, 90 रुपीज है, कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 500 रुपीज है। द कैरिंग कॉस्ट 5%, देखिएगा 5% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री बोलेगा, और वैल्यू भी बोल सकता है यहाँ पे,
तो 5% किसकी, प्राइस का, कैरिंग कॉस्ट किसका होता है, 5% किसका होता है, प्राइस का होता है, 5% प्राइस का। तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5% ऑफ रुपीज 90 हो जाएगा, तो ये 4.5 हो जाएगा। तो ईओक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर दिस, और ये निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, और ये आपकी 4000 हो जाएगा, दिस इज द योर 4000, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका ईओक्यू हो जाएगा, तो 4000 इसका आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए आगे की ओर, उन्होंने बोला, देखिएगा, इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल। अब सुनिएगा रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इसको पहले समझिए। मैंने आपको समझाया था, समझाया भी होगा, एक स्टोर्स है, इफकी आपकी रॉ मटेरियल पड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका यूज होते रहता है, यहाँ पे इसका यूज होता रहता है, ख़त्म होते रहता है। तो आप क्या करते हैं, कोई एक लेवल होता है, जिस लेवल पे आप रॉ मटेरियल आप क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं, यो क्यू डिमांड कर देंगे, मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए। तो ये कौन सी लेवल मटेरियल का होगा स्टोर में, स्टोर में कौन सी लेवल मटेरियल का होगा जिसमें आप ऑर्डर प्लेस करोगे परचेज करने के लिए, कौन सी लेवल होगा आपकी स्टोर में ऑर्डर प्लेस करोगे परचेज करने के लिए, उस लेवल को क्या कहा जाता है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल कहा जाता है। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि आप ऐसी मटेरियल स्टॉक में रख के ऑर्डर प्लेस करो ताकि सप्लायर आपको घर पे पहुंचा दे, आपके स्टोर में पर आपके मटेरियल रख दे, तब तक आपकी प्रोडक्शन चलता रहे, रॉ मटेरियल के अभाव में आपकी प्रोडक्शन बंद नहीं हो, तो उसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल, दैट इज अ रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल का मतलब होता है, रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल का मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम का मतलब होता है ऑर्डर प्लेस करने से लेके मटेरियल रिसीव करने के पहले तक का जितना भी टाइम होता है उसको कहते हैं कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है ऑर्डर प्लेस करने से लेके फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर टू द स्टेज ऑफ रिसीविंग ऑर्डर, उस टाइम को क्या कहता है, रीऑर्डर पीरियड कहा जाता है, रीऑर्डर लीड टाइम कहा जाता है। लीड टाइम में वर्क मटेरियल का कंजम्पशन जब से हमने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रिसीव किया, वहाँ तक जितनी भी मटेरियल की जो खर्च होगी, वहाँ तक जितनी भी मटेरियल की जो खर्च होगी उसको कहते हैं कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम कहा जाता है। तो सुनिए, 72,000 एक साल की रॉ मटेरियल थी, तो भाई 360 दिन में, साल में माना 360 दिन है, नहीं 300 डेज आपको बुक में लिखा हुआ, 300 डेज, तो एक दिन में कितना कंजम्पशन होगा, 240। अब उन्होंने बोला है कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम कितना दिया हुआ है, 20 डेज दिया हुआ है, 20 डेज, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 एक दिन में, तो 20 दिन में कितना होगा, तो 4800 मटेरियल जब आपके स्टॉक में होगा तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे, 4800 मटेरियल जब आपके स्टॉक में होगा तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे, 4800 मटेरियल जब आपके स्टॉक में होगा तो आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, 4800 मटेरियल जब आपके स्टॉक में होगा तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको होता है 4800, ठीक है ना, तो दिस इज अ 4800। अब इसमें क्वेश्चन 240 दिया हुआ है, 240 दिन, तो वो तो एक दिन का मटेरियल का कंजम्पशन है, लेकिन लीड टाइम क्वेश्चन में उन्होंने कितना दिया हुआ है, लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम उन्होंने 20 दिन बोला है, 20 दिन में मटेरियल क्या होगा, आप ऑर्डर जब प्लेस करोगे तब से मटेरियल आने तक, ऑर्डर प्लेस करोगे तब से मटेरियल आने तक आपको कितना खर्च होगा, 20 डेज खर्च होगा, 20 डेज टाइम लगेगा। तो 20 डेज की कंजम्पशन के लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए ना, अगर 20 डेज के कंजम्पशन का रॉ मटेरियल नहीं होगा
तो उसके बीच में ही रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगा, स्टॉक आउट कॉस्ट लगना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं बेटा? इसीलिए यहाँ पे 20 डेज से मटेरियल हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक दिन की कंजम्पशन है, 20 दिन में हम मटेरियल रिसीव करते हैं, तो 20 दिन के लिए कितना चाहिए? इतना। समझ आ गया ना? इसमें आंसर में नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि एक दिन का उसने निकाल दिया हो, वन डेज का ये है। ठीक है ना बेटा? अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिस पे मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, थोड़ा सा चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखिएगा, एक बात समझिए, हमारे पास दो टाइप की खर्चेज होती है। एक तो ईओक्यू पे निकालते हैं, मैं अपने एग्जांपल में दिया था 5000, अपने एग्जांपल में दिया था एक ईओक्यू 100 यूनिट्स है, यहां पे 200 है ये डिस्काउंट वाले। तो आपसे पूछा गया है कि ईओक्यू परचेज करना बेस्ट है कि डिस्काउंट वाली बेस्ट है। मेरे फर्स्ट इन्वेंटरी की क्लास देखिएगा आप लोग, तो उसमें मैंने डिस्काउंट को इवेल्युएशन करने के लिए बारे में मैंने बताया था। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट लोअर होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इसके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिलता है परचेज करते समय, तो परचेज कॉस्ट आपका यहाँ पे परचेज कॉस्ट हाई होता है, यहाँ पे परचेज कॉस्ट क्या होता है? लो होता है। यहाँ पे परचेज कॉस्ट हाई, परचेज कॉस्ट यहाँ पे लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इसका कम होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इसमें ज़्यादा होता है। बात समझ रहे ना? अब आपको देखिए, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बेस्ट है। तो हमने आपको बताया था कि तीन कॉस्ट निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट, और तीनों को ऐड करने के बाद जिसका सबसे कम होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, अब वो बेस्ट कैसे होगा वो देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चंस, इफ रुपी वन 1% क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर फॉर द 18,000 रीम ऑर्डर प्लेस करेगा, तो ईओक्यू कितनी है? 4000 है, लेकिन 18,000 ऑर्डर प्लेस करोगे तो परचेज कॉस्ट में, परचेज कॉस्ट में 1% का डिस्काउंट मिलेगा और मोर 18,000 और ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। शुड द पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट द प्रपोजल, हम क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो हम दोनों केसेस में, ईओक्यू में और डिस्काउंट ऑफर वाले में, हम क्या करेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट निकालेंगे। अब तीनों को ऐड करने पे जिसका सबसे कम होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ये तरीका बताया था। अब सुनिए, उन्होंने कहा डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगा? 90 रुपया अभी प्राइस है, 1% का डिस्काउंट करोगे तो ये वाला प्राइस हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? 5% ऑफ ये, तो इतना हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग ईओक्यू एंड क्वांटिटी डिस्काउंट, ईओक्यू में 4000, क्वांटिटी डिस्काउंट में 18,000। अब नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे 72,000 क्वांटिटी मंगाना था, पिछले क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 72,000, हम 4000 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो 18 ऑर्डर, यहाँ पे 72,000 18,000 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो 4 ऑर्डर। एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? जितनी ऑर्डर प्लेस करोगे उसकी हाफ, एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? जितनी ऑर्डर प्लेस करोगे उसकी हाफ, जितनी ऑर्डर प्लेस करोगे उसकी हाफ, तो ये 2000 हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? जितनी ऑर्डर प्लेस करोगे उसकी हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9000 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे 9000, यहाँ पे ये, क्लियर है ना? अब आप देखो बेटा, यहाँ पे परचेज कॉस्ट यहाँ पे तो 90 रुपये, ईओक्यू में कोई डिस्काउंट नहीं है,
जब यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो ये 90 की रेट लगेगी, तो 72,000 इंटू 90 ये इतना हो जाएगा, इतना प्राइस हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, पहले कैरिंग कॉस्ट 4.5 था, कैसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है कैरिंग कॉस्ट कितना निकला हुआ है 4.5 पहले वाला ही। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी आपको, 72,000 था। प्राइस इसका कितना था देखिएगा, 90 रुपीज की प्राइस था, पिछला क्वेश्चन ही चल रहा है यहाँ पे, 90 रुपीज की प्राइस चल रही है, 90 रुपीज की प्राइस चल रही है। इसी क्वेश्चन को उन्होंने कंटिन्यू किया, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करके यहाँ पे आपको ये प्राइस हो गया, इन्वेंट्री कॉस्ट ये हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपया एक ऑर्डर का है तो 18 ऑर्डर है, तो ये ईओक्यू पे हमेशा ये दोनों इक्वल होता है, हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है। तो ये तीनों जोड़ने के बाद 64,098,000 इसकी कॉस्ट है। अब आपको डिस्काउंट ऑफर में प्राइस आपको ये लगेगा, तो ऑर्डर आपको ये हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, जितनी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी हाफ। बेटा ये जितनी भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, जितनी भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये सारी की सारी क्वेश्चंस आप कंसेप्ट के साथ, पहले कंसेप्ट को देखिएगा फिर इसको मिलाइएगा, ये आपको स्लाइड में भेज दूंगा, और स्लाइड भेजने से क्या हो जाएगा, आप रिवीजन भी कर सकते हैं उसको, मैं कंसेप्ट तो यहाँ पे समझा ही रहा हूँ, तो वो कंसेप्ट वहाँ पे देखिएगा, उसको बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे बुलाया, इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे डिटेल में बोलूँ, ठीक है ना बेटा, ये रिविजन्स है, रिविजन में उतना फास्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 90,000 हो जाएगा, ऑर्डर जितना प्रेस करते हैं उसकी आधी, तो आपको परचेज कॉस्ट ये हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट आपको उस प्राइस के बेसिस पे 5% है तो 5% ये हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो 64,000। अब बताइए कौन सा बेस्ट है, क्वांटिटी डिस्काउंट में इतना खर्च, विदाउट क्वांटिटी डिस्काउंट में इतनी खर्च, तो 98,000 यहाँ पे है, 57,000 यहाँ पे है, तो क्वांटिटी डिस्काउंट आपका बेस्ट है, और क्वांटिटी डिस्काउंट हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कौन सा, क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखिए रिसीवेबल मैनेजमेंट, मैंने आपको कल एग्जांपल में, मैंने पिछले क्लास में भी मैंने समझाया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, रिसीवेबल मैनेजमेंट, तो ये जो रिसीवेबल मैनेजमेंट मैंने बताया था, इसमें हम डेटर मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना बेटा, इसमें आपको क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल और क्रेडिट सेल को रिसीव के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, डैश आर नियर द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, देखिए इसको क्या कह रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कैश होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक करते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक के बाद हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में भेजते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद क्या करते हैं, हम फिनिश गुड्स हमारे पास हो जाता है, फिनिश गुड्स के बाद क्या करते हैं, हम डेटर यूज करते हैं, और ये डेटर हमने क्या होता है, क्रेडिट पे सेल किया, और ये डेटर हमें क्या करता है, यहाँ पे कैश दे देता है, डेटर हमें यहाँ पे कैश दे देता है, बात को समझिए, तो ये क्या कर रहा है कि डेटर जो है ऑपरेटिंग साइकिल का है, ये एक ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के सबसे लास्ट वाला टाइम्स है, सबसे लास्ट वाला आइटम्स है, तो इन्होंने क्या बोला कि डैश आर नियर द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, सबसे लास्ट टर्मिनेट करने वाला पॉइंट्स है, सबसे लास्ट है कि नहीं है, तो क्या सबसे लास्ट है, तो रिसीवेबल मैनेजमेंट है, रिसीवेबल्स है, डेटर्स है, उसको कहते हैं रिसीवेबल्स, समझ आ रहे ना, सबसे लास्ट वाला में क्या है, रिसीवेबल्स। अब सुनिए, रिसीवेबल्स का मतलब क्रेडिट सेल किया, उसको डेटर भी कहा जाता है, अब वही पैसा हमें रिसीव करनी है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसीवेबल कहा जाता है, तो हमने क्रेडिट पे सेल किया, अब वो पैसा आया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट टर्मिनेट कर गया, ऑपरेटिंग साइकिल टर्मिनेट कर गया। अब नेक्स्ट देखिए, रिसीवेबल समझ आ गया कैसे हुआ, देखिए
रिसीवेबल्स आर जनरली रेफर्ड टू बाय नेम ऑफ किसको, सन्डरी डेटर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टाइमली रियलाइजेशन ऑफ रिसीवेबल इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लंबा अगर डेटर के पास पैसा रहेगा उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना पड़ेगा। टाइमली रिक्वायरमेंट आपकी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉल्स होगा। इन्होंने कहा टाइमली रिक्वायरमेंट ऑफ रिसीवेबल इज अ इम्पोर्टेंट, नॉट नहीं होगा, इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा। टाइमली रियलाइजेशन ऑफ रिसीवेबल इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा। ये आपको फॉल्स है, नॉट लिखा इसलिए फॉल्स है, नॉट इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए नॉट कहना गलत है, ठीक है ना। अब देखिएगा फैक्टर, और फैक्टर के बारे में मैं पिछले क्लास में मैंने समझाया था, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा हम क्या करते हैं, एक आपको सेलिंग फॉर्म होता है, यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे एक बाइंग फॉर्म होता है, बाइंग फॉर्म होता है, ये क्या करता है, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल किया, गुड्स इनके पास आ गया, ये क्या करते हैं बिल दे देते हैं इनको, बिल जो मैं इस डेट को मैं आपको पेमेंट करूंगा। सेलिंग फॉर्म अपने क्रेडिट सेल को खुद को मैनेज नहीं करता है, खुद मैनेज नहीं करता है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैनेज किया हुआ है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, ये बिल इनको दे देता है, बिल एट द टाइम ऑफ सेल। अब बिल के बदले में ये इनको क्या करता है, इनको कैश दे देता है। तो कैश कितना देता है, कुछ अपना कमीशन करता है, कमीशन, क्योंकि कलेक्शन करने का काम इनका है, सेलिंग फॉर्म का है, लेकिन सेलिंग फॉर्म की कलेक्शन का काम को कौन करता है, आपको ये करता है, इसको कहते हैं फैक्टर, इसको क्या कहते हैं फैक्टर एजेंसी कहा जाता है, तो इसलिए वो कमीशन, क्योंकि इनको तो ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा, ये बिल इनको देगा तो इनको तो पैसा ड्यू डेट पे मिलेगा, 3 महीना 4 महीना जितनी क्रेडिट पीरियड होगा उसके बाद पैसा मिलेगा, इनको तो पैसा क्रेडिट पीरियड के बाद में मिलेगा, क्रेडिट पीरियड के बाद में पैसा मिलेगा, लेकिन इन्होंने पहले ही पैसा पेमेंट कर दिया, तो उस केस में क्रेडिट पीरियड के बाद में पैसा मिलेगा, इसीलिए इसीलिए ये इंटरेस्ट भी कुछ रखता है, कुछ इंटरेस्ट भी रखता है, और कुछ रिजर्व में के रूप में भी रखता है, इसको क्या कहते हैं फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स कहा जाता है। जो कंपनी अपनी क्रेडिट को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कलेक्शन करवाता है उसको कहते हैं फैक्टरिंग एजेंसी। अब सुनिएगा, फैक्टर्स डिटरमाइन द क्रेडिट पॉलिसी इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन वॉल्यूम सेल्स, क्या क्रेडिट सेल्स होना चाहिए उस पर भी डिटरमाइन करता है, ठीक है। क्रेडिट टर्म्स ये भी होता है, कैश डिस्काउंट ये भी होता है, तो फैक्टर्स डिटरमाइन द क्रेडिट पॉलिसी ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सारा होगा, ठीक है। इसके आगे भी आप देखिएगा माइंड में आपको रहेगा, सुनिएगा, डैश इज द टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच इन्वॉल्व्स एन आउटराइट सेल ऑफ द रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड अ फैक्टर व्हिच इज स्पेशलाइजेज इन द मैनेजमेंट ऑफ द क्रेडिट टर्म्स, इसी को भी क्या कहते हैं फैक्टरिंग कहा जाता है। इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच इन्वॉल्व्स आउटराइट सेल ऑफ द रिसीवेबल्स इन द फॉर्म, जो सेल किया उसकी रिसीवेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉल द फैक्टर्स व्हिच इज फैक्टरिंग कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। लीजिंग नहीं होता है, टेंडर नहीं होता है, ये फैक्टर होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अंडर अ टिपिकल फॉर फिटिंग फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स अ डैश डैश कलेक्ट द अकाउंट्स ऑन द ड्यू डेट्स इफेक्ट द पेमेंट ऑन द फॉर्म ऑन द डीज डेट्स एंड ऑल्सो एज्यूम द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड व्हिच इज कलेक्शन ऑफ द अकाउंट। कलेक्शन का काम कौन सा करता है, अगर फैक्टरिंग का टिपिकल है तो आपको फैक्टर एजेंसी करता है, ठीक है। कोई भी आपका सेल्स को क्रेडिट सेल्स को कलेक्शन का काम कौन करता है, फैक्टर करता है,
अब सुनिएगा, फैक्टर में भी रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो पैसा देता है, और बैंकर फैक्टर एंड बिजनेस कंसर्न सप्लायर्स, ठीक है, सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज अ ट्रेडर, वेयर बाय द फैक्टर प्रोसेस दिस विथ और विदाउट रिकोर्स। दो टाइप का फैक्टर होता है, एक विथ रिकोर्स होता है, विद रिकोर्स, एक होता है विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स विद रिकोर्स में क्या डिफरेंसेस है बताइएगा, विदाउट रिकोर्स विद रिकोर्स में क्या डिफरेंसेस है। विद रिकोर्स में क्या होता है, विद रिकोर्स में होता क्या है, अगर कोई बैड डेप्ट हो जाता है तो बैड डेप्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेलिंग फॉर्म के पास जा सकता है। विद रिकोर्स का मतलब मैं आ सकता हूं अगर कोई बैड डेप्ट हो, फैक्टर करता है। अब विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, फैक्टर करता है, मैं नहीं आ सकता अगर बैड डेप्ट हो, बैड डेप्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ट्रू है, ठीक है ना, ये माइंड में रखना पड़ेगा। ये फैक्टर की आपको प्रॉपर्टी सारी है, ये मैंने अपने थ्योरी की बुक में दिया हुआ है वहां पे क्लासेस में, ठीक है ना। अब चेकिएगा, देखिए फैक्टर्स इंक्लूड्स, एक ही बार मैंने फैक्टर का सारा क्वेश्चन रखा, एजम्पशन ऑफ क्रेडिट एंड कलेक्शन फंक्शंस, क्रेडिट प्रोटेक्शंस, इनकैशिंग ऑफ रिसीवेबल्स, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब आपको डैश, लोन इज अ सिंपली अ लोन सिक्योर्ड, लोन इज अ सिंपली अ लोन सिक्योर्ड बाय अ फर्म्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स बाय वे ऑफ हाइपोथेसिस और असाइनमेंट ऑफ सच रिसीवेबल्स विद द पावर ऑफ कलेक्शंस एंड डेब्ट्स अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी, अकाउंट रिसीवेबल होता है। अकाउंट रिसीवेबल लोन्स मैंने आपको अकाउंट रिसीवेबल लोन इज सिंपली अ लोन सिक्योर्ड बाय अ फर्म्स अकाउंट्स रिसीवेबल बाय वे ऑफ हाइपोथिकेशन और असाइनमेंट ऑफ सच रिसीवेबल्स विद द पावर ऑफ कलेक्शन दिस, इसको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अब देखिएगा, बिल डिस्काउंटिंग किसे कहा जाता है, अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया है, हमने उस बिल को लिया, बैंक में ले जाके पैसा दिया, उस बिल के बेसिस पे बैंक से मुझे पैसा रिसीव हो गया, उसको क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। तो अंडर अ बिल डिस्काउंटिंग अरेंजमेंट्स द ड्रॉअर अंडरटेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द बिल्स एंड रिमिटिंग द प्रपोजल टू द फाइनेंस एजेंसी। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, इन्होंने सेल किया गुड्स क्रेडिट पे, इन्होंने बिल दिया, ये बैंक है, बैंक इनको क्या करता है, बिल देता है सेल, और ये इनको इंटरेस्ट काट के कैश देता है माइनस इंटरेस्ट। अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनसे पैसा कलेक्ट करना, और जो पैसा कलेक्ट करो इसको डिपॉजिट करना, तो इसको बिल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। तो वही बोला, अंडर अ बिल डिस्काउंटिंग अरेंजमेंट्स द ड्रॉअर अंडरटेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द बिल्स एंड रिमिटिंग टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना बेटा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अंडर अ फैक्टरिंग अरेंजमेंट द फैक्टर कलेक्ट द क्लाइंट्स बिल, ठीक है, फैक्टर कलेक्ट द क्लाइंट्स बिल। टाइप ऑफ फैक्टरिंग, रिकोर्स फैक्टरिंग होता है, नॉन रिकोर्स होता है, एजेंसी फैक्टरिंग भी एक होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखिएगा, आर यूज टू फाइंड द चेंजेज इन एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे क्या है, आर यूज टू फाइंड चेंजेज इन एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शोइंग यूजेज ऑफ फंड्स एंड सोर्सेज ऑफ फंड्स, क्या है, आर यूज टू फाइंड चेंजेज इन एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शोइंग यूजेज ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ फंड्स। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ये माइंड में रखना पड़ेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट आर यूज टू फाइंड द चेंजेज इन एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज शोइंग यूजेज ऑफ
फंड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ दिस, कोई भी एसेट्स को आप यूज करते हो और उस यूज के बदले में जो फंड्स आता है और उसको अप्लाई करते हो, सोर्सेज को फाइंड आउट करते हो, उसको क्या कहते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। अब सुनिए, हम लोकल सेल करते हैं तो उसमें फैक्टरिंग होता है, अगर ये एक्सपोर्ट के केस में होता है तो उसको क्या कहते हैं, फॉरफिटिंग होता है, फॉरफिटिंग होता है, फॉरफिटिंग। अब फॉरफिटिंग का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फॉरफिटिंग का यहां पे देखिएगा नेचर क्या होता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द साइलेंट फीचर ऑफ फॉरफिटिंग एज द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ये किसके लिए होता है, ये एक्सपोर्ट के लिए होता है। एक्सपोर्टर सेल्स एंड डिलीवर्स गुड टू द इम्पोर्टर ऑन डिफर्ड पेमेंट बेसिस, ये याद रखना पड़ेगा, ये फीचर्स है किसका, फॉरफिटिंग का। द इम्पोर्टर ड्रॉ अ सीरीज ऑफ प्रोमिसरी नोट्स इन द फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर फॉर पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट चार्जेज, अल्टरनेटिवली द एक्सपोर्टर ड्रॉज अ सीरीज ऑफ बिल व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द इम्पोर्टर, व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द इम्पोर्टर। फिर है, द बिल्स नोट्स आर सेंड टू द एक्सपोर्टर, द प्रोमिसरी नोट्स बिल्स आर ग्रांटेड बाय बैंक व्हिच मे नॉट नेसेसरली बी इन द इम्पोर्टर बैंक, ये सारी आपकी फीचर्स है। तो क्या बोला, साइलेंट फीचर ऑफ द फॉरफिटिंग का, ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये इसके बेसिस पे ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था 86, फॉरफिटिंग सर्विसेज डिनोट्स द परचेज ऑफ ट्रेड बिल्स प्रोमिसरी नोट्स बाय बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स, ये भी प्रॉपर्टी है फॉरफिटिंग का टू द सेलर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉरफिटिंग विदाउट रिकोर्स होता है, विथ रिकोर्स नहीं होता है, विदाउट रिकोर्स होता है हमेशा, ठीक है। अब आपको ये 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ फॉरफिटर डिस्काउंट्स द इंटायर वैल्यू ऑफ द नोट्स बिल बट द फैक्टर फाइनेंसेज बिटवीन 75% to 85% एंड रिटेन द फैक्टर रिजर्व दिस 70। तो कोई एक्सपोर्ट के केस में सिर्फ इतना ही परसेंट पैसा वो रिलीज करता है एक्सपोर्टर को, बाकी पैसा रिजर्व के लिए रखता है, रिजर्व के लिए रखता है, ये बात याद रखना पड़ेगा। कितना परसेंट फॉरफिट फैक्टर रखता है एक्सपोर्टर के केस में, 75% to 85% वो पैसा रिलीज करता है एक्सपोर्टर को, बाकी पैसा रिजर्व में रखता है। तो ये ट्रू है, ठीक है ना बेटा, दिस इज अ ट्रू। अब आपके पास आगे आ जाता है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। अब देखिए, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेसिस पे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है कि आपकी इन्वेंट्री एक साल में कितनी बार टर्नओवर हो रही है, कितनी बार टर्नओवर हो रही है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज अ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर नेक्स्ट देखिए, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, उसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहा जाता है। अब सुनिएगा, सेल्स को एवरेज रिसीवेबल भी कहा जाता है, इसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहा जाता है, लेकिन सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री यूज टू रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, लेकिन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है इसलिए रिसीवेबल नहीं, इसको कहा गया रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कहा गया, ठीक है ना। एवरेज इन्वेंट्री के बेसिस पे भी कंपेयर किया जाता है इसीलिए हम, लेकिन मेन फॉर्मूला एवरेज रिसीवेबल होता है, आगे में क्वेश्चन आएगा इस पे। अब आपको टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो,
डेप्ट इक्विटी में क्या होता है, डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब आगे की ओर आइए, वह सारी चीजें आ गई जो यहां पे है, जो मैंने पिछले थ्योरेटिकल बताया था। अब सुनिए, उन्होंने कैलकुलेट इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड फ्रॉम द फाइनेंशियल वेरिएबल दिस। अब सुनिएगा, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड किसे कहते हैं, इसको समझिए। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है कि आप इन्वेंट्री को कितने दिनों में कन्वर्ट करते हो कैश के रूप में। आप इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स को, इन्वेंट्री को कितने दिनों में आप कन्वर्ट कर लेते हो, क्या चीज में कन्वर्ट करते हो बेटा, कैश के रूप में, उसको कहते हैं इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इसका होता है डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकाल, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेंट्री आपको ये दोनों है, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे, 940 डिवाइडेड बाय 936 to 938। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना इतना दिया हुआ है, तो 7036 डिवाइडेड बाय दिस 7.5 times। 7.5 times का मतलब पूरी साल में इन्वेंट्री 7.5 times आपको टर्नओवर हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है पूरी साल में। इन्वेंट्री कितने बार टर्नओवर हो रहा है, 7.5 times टर्नओवर हो रहा है। तो ये जो 7.5 times आपका टर्नओवर है, ये आपको इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड में यूज हो जाएगा, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड के लिए यूज हो जाएगा बेटा। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इक्वल टू डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 48.7 days आ रहा है, 48.7 days। तो व्हाट इज द 48.7 days, 48.7 days का मतलब हर एक 48.7 days में हमारी जो इन्वेंट्री है वो कैश बन के कन्वर्ट हो जाता है। 48.7 days है ये, इसमें हमारी जो इन्वेंट्री है वो कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना बेटा, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द बिल्स रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। बिल्स रिसीवेबल वही डेटर रिसीवेबल, अब बिल्स रिसीवेबल तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, और रिसीवेबल है तो सेल लगेगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मींस सेल्स डिवाइड, सेल को रिसीव करोगे, एवरेज बिल्स रिसीवेबल, ये आपको बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकलेगा। अब बिल्स रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे की ओर, बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सेल्स, बिल रिसीवेबल हम किसको रिसीव करते हैं, सेल को रिसीव करते हैं, क्रेडिट पे जो सेल किया उसको रिसीव करते हैं, तो क्रेडिट पे हमने क्या सेल करेंगे, सेल्स रिवेन्यू एवरेज बिल्स रिसीवेबल, तो ये आपको ये हो जाएगा टाइम्स, 8.336 times हमारी बिल्स रिसीव हो रही है। और कैलकुलेशन ऑफ एवरेज बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये आ गया पिछले से, यहां से एवरेज बिल्स रिसीवेबल इसकी एवरेज। ठीक है, अब आ जाइए, तो 48.8 days हो जाएगा, 43.8 days में हमारी बिल्स रिसीव हो जाती है, क्रेडिट सेल हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप अच्छा आगे जाइए, 95 number, बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चंस कैलकुलेट द पेबल कन्वर्जन पीरियड, पेबल कन्वर्जन पीरियड फ्रॉम द फाइनेंशियल वेरिएबल्स गिवन। तो क्रेडिट कन्वर्जन पीरियड का मतलब आपको डेज इन ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
इंटू एवरेज क्रेडिटर, मैंने शॉर्टकट में बनाया है, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्वर्जन पीरियड बोला है ना, तो उन्होंने कैलकुलेट पेबल, कन्वर्जन पीरियड पेबल, तो आपको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोला है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिट परचेज, यहां पे फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर होता है, एवरेज क्रेडिटर्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। और कन्वर्जन पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, कन्वर्जन पीरियड के लिए, कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। तो डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स। तो यही पुराना वाला फॉर्मूला से यहां पे ये बन गया, डेज इन ईयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये एवरेज क्रेडिटर ऊपर चला जाएगा। तो ये 31.5 डेज, क्रेडिटर टर्नओवर से कितना हो जाएगा, 31.5 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ऐसे बनाओ, या तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, इसी से तो बन गया। अब सुनिए, बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चंस, 31.5 डेज फर्स्ट पार्ट का, 95 का, बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द कैश कन्वर्जन पीरियड फ्रॉम द फाइनेंशियल वेरिएबल्स आर गिवन। तो कैश कन्वर्जन पीरियड देखिएगा, सुनिए, हमारी रिसीवेबल कितने दिन में कैश में कन्वर्ट होता है, हमारी इन्वेंट्री कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट होता है, हम दूसरे की पैसा कितने दिनों में कैश में देते हैं, इससे माइनस हो जाता है। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल में मैंने समझाया होगा, तो क्रेडिट देते हैं 48.7 डेज, 43.8 डेज, 31.3 डेज, दैट इक्वल टू 61 डेज। तो ये 61 डेज हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आपके पास आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन में, 97 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एवरेज कैश कन्वर्जन पीरियड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल 88 डेज है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब करंट एसेट साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल मतलब करंट एसेट साइकिल माइनस करंट लाइबिलिटी साइकिल को माइनस कर दिया गया। रॉ मटेरियल को हटाने के लिए कितना पैसा लगता है, 45 डेज में। वर्क इन प्रोग्रेस को 4 डेज में, फिनिश गुड्स को 25 दिन में। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कैश कन्वर्जन पीरियड, कैश कन्वर्जन पीरियड। तो कैश कन्वर्जन पीरियड का मतलब ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, टोटल आपका करंट एसेट साइकिल, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब करंट एसेट साइकिल माइनस ये आपको करंट एसेट्स, ये भी है, ये भी कैश है, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है, इसमें कैश नहीं है। तो टोटल में अगर ये सारे माइनस कर दोगे तो कैश कन्वर्जन पीरियड निकल जाएगा आपको 88 में, इसमें कैश भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कैश वाला माइनस नहीं किया गया। तो कैश वाली नहीं माइनस करने से यहाँ पे बच जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो कैश कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, 48 डे हो जाएगा, 14 डेज हो जाएगा, 14 डेज, ठीक है ना बेटा। अब आपको 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर, कैलकुलेट फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड टर्नओवर रेशियो। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है बताइए, एवरेज फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सारे माइनस करेंगे,
क्या क्या माइनस करेंगे, क्या क्या सॉरी माइनस नहीं ऐड करेंगे, फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक ये है, क्लोजिंग स्टॉक ये है, एवरेज फिनिश गुड्स यहां से आ जाएगा। दूसरी फिनिश गुड्स कब होता है सुनिएगा, हम प्रोडक्शन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सारी खर्च लगता है, एक्साइज ड्यूटी देते हैं, तो सारे खर्च लग के हमारे पास फिनिश गुड्स होता है। तो इसीलिए हमारी कितनी कॉस्ट लगी फिनिश गुड्स बनाने में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लग गया, उसमें एक्साइज ड्यूटी लग गया, तो ये सारी कॉस्ट हमारे लग गई फिनिश गुड्स बनाने में, ये हो गया। दूसरी एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस तो 19.27 टाइम्स, 19.27 टाइम्स का मतलब होता है कि हमारी जो फिनिश गुड्स है पूरे साल में 19.27 टाइम्स कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड डेज इन अ ईयर, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो डेज 365 है, ये है, ये 18.94 डेज आपका आ गया, यहाँ पे 19.42 दिया हुआ है, 18.94 डेज आ रहा है, ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ फर्म यूजेज 1100 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका क्या है 1100 है, 1100 मटेरियल रॉ मटेरियल पर एनम, द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, प्राइस इसकी कितनी है 1500 रुपया है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 150 रुपया, एंड कैरिंग कॉस्ट इज ₹200, कैरिंग कॉस्ट रुपीज कितना है 200 है, तो कैलकुलेट ईओक्यू, ईओक्यू मीन्स ये एनुअल एग्जम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट 41, तो ये 41 ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी मेड, नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू 27, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अ फैक्ट्री यूजेज 40,000 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस्ड ₹450, मैंने आपको रॉ मटेरियल एनुअल कंजम्पशन आपको 40,000 है, इसकी प्राइस कितनी है 50 रुपया है, द होल्डिंग कॉस्ट ₹10 पर टन्स ऑफ इन्वेंट्री, द ऑर्डरिंग कॉस्ट डेज आपको कैरिंग कॉस्ट 10 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास ₹200 है, तो आपसे सबसे पहले क्या पूछा, फाइंड द ईओक्यू, ईओक्यू निकालनी है, तो ईओक्यू का ये फॉर्मूला है 1260, ये हो गया। बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन व्हिच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी हैज बियर विद EOQ, तो टोटल कॉस्ट क्या होता है रूट अंडर 2AOC, तो ये हो जाएगा 12,665। बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इन यूज इन केस ऑफ द सप्लायर्स इंट्रोडक्शन 5% डिस्काउंट इफ द ऑर्डर साइज इज 2000, तो ऑर्डर साइज अगर 2000 है तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो एवरेज कॉस्ट आपको डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5% डिस्काउंट दे रहे हैं 45 रुपया हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितना ऑर्डर दे रहे हैं 2000 पे, तो 20 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, तो 20 ऑर्डर हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1000 हो जाएगा, तो एवरेज कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा 1000 इंटू दिस, ये आपको कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा इतना ऑर्डर, ये हो जाएगा। डिस्काउंट के केस में हम डिस्काउंट भी माइनस करते हैं और परचेज प्राइस भी हम करते हैं, तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है ना, तो टोटल कॉस्ट आपका ये हो जाएगा परचेज कॉस्ट भी। अब आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे 14,000 रुपया हो रहा है,
अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कोरिंग कॉस्ट 14,000 रुपये हो रहा है। उसमें से आपको यहाँ पे डिस्काउंट आपको कितनी है, 2 लाख है, तो 1 साल का डिस्काउंट 2 लाख है। इसमें आंसर कितना दिया, 2000 माइनस करके ये लिखा हुआ है। तो कितने दिनों के लिए निकाला है, खुद कंफ्यूज है, बुक ने कंफ्यूज है। तो हमारी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो ये होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो ये। इस पे आपको डिस्काउंट वाला प्राइस, ये वाला जो प्राइस है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट के बदले में जो 10 रुपया जो लिखा है ना, 10 रुपया, इसकी 5% अगर करते हो, 10 रुपये का तो 0.5 0.5 अगर माइनस करोगे तो इसकी प्राइस हो जाएगा 9.5। 9.5 में अगर 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितनी है, टोटल और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है ना, तो एवरेज इन्वेंट्री आपको 1000 है, एवरेज यहाँ पे 1000 × 9.5 तो 9500 हो जाएगा, 9500 हो जाएगा। ये आंसर नहीं मिला है, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर क्या दिया है, गलत दिया हुआ है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आपको मैंने बताया हुआ था, बेस्ड ऑन द दिस नॉर्मल यूजेज ये है, मैक्सिमम यूजेज ये है, मिनिमम यूजेज ये है, रीऑर्डर क्वांटिटी ये है, लैग इन 7 डेज है। तो कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, ये फॉर्मूला है। तो 150 × 7 दैट इज अ 1050, ठीक है ना। अब आपको क्या हो जाएगा, ये फिर बेस्ड ऑन द अबव डाटा कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या है, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, इन्होंने क्या कहते हैं, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। ये सारी कंसेप्ट मैंने समझाया कैसे होता है, 1050 500 −50 × this, ये क्या होता है, रीऑर्डर लेवल अभी मैंने निकाला जो यहाँ पे है, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी अगर नहीं दिया रहता तो यू क्यू करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 500। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है, मिनिमम कंजम्पशन ये 50 है, और मिनिमम कंजम्पशन पर वीक, अब मिनिमम डिलीवरी टाइम कितनी है, 5 है। तो ये फॉर्मूला की लॉजिक क्लास में मैं बहुत अच्छे से समझाया बेटा, ये आंसर हो जाएगा, 1300 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, आप मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो नितेश सर की डायरेक्शन पे कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में आप लोग आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को इंस्टीट्यूट पे निकालोगे तो कैसे काम चलेगा। इस लॉकडाउन में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पैशंस को आप अपनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, आप एकदम पीस रहो, और आपके लिए हमेशा इंस्टीट्यूट NKJ ईच एंड एवरी मोमेंट में सोचते रहता है। अगर फेस टू फेस क्लास होता तो हम क्या करते, हमारी कोर्स कंप्लीट हो जाता, आप अपने घर चल जाते, मैं अपने घर चला जाता, अभी तक हम अपने फ्री हो जाते टोटल। क्लास के बाद आपकी डाउट को बतलाते हैं, ऐसे नहीं कि आपको स्कैनर की क्वेश्चन अलग से कराते हैं, ऐसे नहीं आपको लाइव हम आते प्रीमियर आते, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग अपने आप को कंट्रोल करो, आलतू फालतू बातें को मत बोलो, ऐसे बोलोगे जो बोलेगा उनकी सर्विसेज को हम लोग बंद कर देंगे, अब उसको कोई हेल्प इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं मिलेगा। मेरा काम क्या है, पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं बेटा, रात दिन बच्चे का डाउट्स आता है, मैं डाउट सॉल्व करते हैं, हम भी आपके लिए लगे हुए हैं बेटा, इंस्टीट्यूट्स आपके लिए लगा हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। सब कोई को सब किसी को दिक्कत है, दिक्कत का मतलब ये नहीं कि आप अपना प्रॉब्लम को इंस्टीट्यूट के ऊपर फोड़ दोगे, आप अपनी प्रॉब्लम को आपको सोशल मीडिया में आप कुछ बोल दोगे, इसका मतलब ये नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो आपको बहुत बड़ी लॉस होगी, और उस लॉस को आपको खुद बियर करना पड़ेगा बेटा, इंस्टीट्यूट आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना बेटा। हमारे नितेश सर जो हैं रात दिन प्लानिंग करते हैं,
पता पढ़ाने के बारे में प्लानिंग करते हैं, कैसे बच्चों को बताया जाए उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, और वो उसके अनुसार सारे टीचर काम करते हैं। ओके बेटा, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल ये है, एवरेज कंजम्पशन ये है, एवरेज डिलीवरी पीरियड ये है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब 107 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये 106 का, 106 में क्वेश्चन आपको बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज डिलीवरी टाइम। रीऑर्डर लेवल तो इतना आया था, एवरेज कंजम्पशन ये है, एवरेज डिलीवरी टाइम ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बताइए 107 का क्वेश्चन में क्या है? बेस्ड ऑन द अबव डाटा कैलकुलेट द एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का मतलब क्या होता है? आपको मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डी। तो हमारे पास मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं बेटा। 109 हमने यहां तक, 107 तक किया। यू क्यू डिटरमाइन द ऑर्डर साइज दैट विल मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है ना। इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होता है ईओक्यू में, ठीक है ना। फिर देखिए टेक्निकल टूल्स यूज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कौन कौन सा टेक्निकल टूल्स है? एबीसी मैंने बताया था, वो भी एक टेक्निकल टूल्स है। हाई प्राइस वाले गुड्स को ए कैटेगरी में रखो, लो प्राइस वाले गुड्स को सी कैटेगरी में रखो, मीडियम वाले गुड्स को बी कैटेगरी में रखो, ये भी एक टूल्स है जिससे हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके बाद में इन्वेंट्री में मैंने पढ़ा था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसके बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे की सारी टूल्स है जो कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हमने आपको बेटा 109 तक क्वेश्चन पूरी कंप्लीट की। इसके बाद आप रिवाइज कीजिएगा, मेरे कंसेप्ट को बताइएगा, मेरी बुक को क्वेश्चन बनाइएगा, और ये क्वेश्चन करेंगे आप स्टडी मटेरियल की एमसीक्यू करेंगे, बार बार करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा और 60 में 60 मार्क्स आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।